नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। हमारे साथ मौजूद है सत्येंद्र सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि ये सेमिनार में क्या कुछ हुआ और किस ट्रेनिंग पे क्या बात करी गई। आइए इनसे जानते हैं। इसमें ये जो सेमिनार हुई है, इसमें जितने भी यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज के एचआर मैनेजर, उनके ओनर, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सभी का ये कहना था कि मतलब बहुत ही अच्छी सेमिनार है। इसका मेन मकसद था कि अवेयरनेस लाना। फर्स्ट एड ट्रेनिंग हर कंपनी में होनी चाहिए, इसी तरह पॉस की कमेटी, आईसी कमेटी हर कंपनी में होनी चाहिए, लेकिन लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी मेल फीमेल एम्प्लॉय नहीं है तो हमें पॉस कमेटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज सभी को मालूम हो गया यहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे कि अगर आपके यहाँ एक भी फीमेल एम्प्लॉय नहीं है लेकिन आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो आपके 10 के ऊपर है तो आपको पॉस कमेटी बनाना मैंडेटरी है। अदरवाइज फिर फाइन का और अदर पेनल प्रोविजन भी है उसमें। सर, जैसे कि आज मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की और पता लगा कि मतलब लोग बहुत सारी, ये मेरे को बताया गया कि मतलब लोग चाहते हैं कि ये वेबिनार, ये सेमिनार हर साल में 2-3 बार हो अवेयरनेस के थ्रू, और उन्होंने आपको बोला भी, मतलब आपको सजेशंस भी दिए कि मतलब इसमें फायर वाली ट्रेनिंग भी करानी चाहिए और बाकी सब भी, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं रेगुलर करवाऊंगा ये सेमिनार रेगुलर। अभी आपने देखी है, पहले भी मैंने 3 मैं सेमिनार में करवा चुका हूँ, और क्योंकि कोरोना के बाद से फिर ये हमारी पहली सेमिनार है, लेकिन इसके बाद फिर मैं अगला अलग अलग टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे ये सेमिनार रेगुलर होती रहेगी हमारी संस्था की तरफ। तो सर, ये जो सेमिनार कराई गई, इसमें आपको क्या कुछ मतलब सवाल लोगों के, आपके इंडस्ट्री के सवाल क्या आए, क्या उनको मुश्किलें होती हैं इस सब में कि मतलब पॉश ट्रेनिंग में और फर्स्ट एड ट्रेनिंग में किन सब का सामना करना पड़ता है? देखिए, मेन दिक्कत ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना है, तो वो सारे क्वेश्चन का समाधान जो है इस तरह की सेमिनार में मिल जाता है। आज जैसे जिसकी भी जो क्वेरीज थी, सबने अपनी क्वेरीज रखी यहाँ पर, उनको उनके क्वेश्चन का समाधान मिल गया, क्योंकि इसमें जो भी हमारे ट्रेनर थे, जो भी स्पीकर थे हमारे, बहुत ही इंडिया लेवल के टॉप के एडवोकेट थे, श्री एस के गुप्ता जी, यजत कुमार जी जो कि मतलब एच एल कुमार जी के पोते, तो इस तरह से मतलब LLR लेवल वाली पोर्टल की पूरी टीम हमारे साथ थी। तो इस तरह के जब लोग आपके साथ जुड़े हैं तो फिर बट नेचुरल है कि आपको एक अच्छी जानकारी और एक सेशन भी जो हमारा होगा वो नॉलेजेबल सेशन होगा, जिसका कि सभी ने यहाँ पर लाभ उठाया और सभी का ये कहना था इसीलिए कि इस तरह के सेशन बार बार होने चाहिए, क्योंकि जब जानकारी होगी तभी आदमी उस पर काम करेगा, तभी वो बिना डर के, बिना भय के काम करेगा। तो सर, ये जो न्यू लेबर कोड सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? न्यू लेबर कोड जो लागू किया जा रहा है, इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन किए जा रहे हैं जो कि एम्प्लॉयर के लिए काफ़ी मतलब उसको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एम्प्लॉयर अगर सतर्क नहीं रहेगा और प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो उसको आगे आने में बहुत दिक्कत होगी, और काफ़ी ज़्यादा इसमें पीनल प्रोविज़न भी है, और इसके अवॉइड करने के लिए सारी चीज़ कानूनी रूप से सब कुछ सही करना पड़ेगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि एम्प्लॉयर के हित में नहीं है, जो अभी तक जो मतलब एम्प्लॉयर लापरवाही करते थे तो इसलिए उनको अब लापरवाही को अपने समेट के एक किनारे, और उनको प्रॉपर सारा जितना भी लॉ है उसको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें, कंप्लायंस अपनी सारी प्रॉपर करनी पड़ेंगी। अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उसका बहुत इन्होंने मतलब काफ़ी भारी उसमें जुर्माने का और उसका इन्होंने बहुत प्रावधान किया है। तो आपने सुना वेबिनार की क्या कुछ जानकारी दी गई, तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू मीडिया न्यूज़। नमस्कार।